गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लेसन नंबर 9, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन? अगर नॉर्मली हम बात करें, अगर कोई भी आपसे पूछे तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर नॉर्मल हम बात करें तो क्या होता है रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बट रेस्पिरेशन की और भी बहुत सारी वो होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी एंड आवर इन्वायरमेंट। कि अपने बॉडी के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में जो किसका गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब गैसेज का एक्सचेंज कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन प्लांट्स दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन को, रेस्पिरेशन में तो क्या करते हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को। बट जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे डबल अमाउंट में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्योरीफायर ऑफ इन्वायरमेंट। तो रेस्पिरेशन, वैसे हमारी बहुत सारी डेफिनेशन है जो कि हम रीड करते रहेंगे। तो फर्स्ट आगे देखो, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब आपको पता है टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, एक लिविंग होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो इन सिक्स क्लास वी स्टडीड अबाउट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन विच देर इज वन करैक्टरिस्टिक्स इज रेस्पिरेशन। अब आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या थी करैक्टरिस्टिक्स, मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते। अब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, और नॉन लिविंग के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो दोनों के अंदर क्या होती है, हमारी रेस्पिरेशन होती है। प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी क्या, कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब कैसे होती है, या फिर कुछ हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन उनकी बॉडी में कैसे होती है, कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं विद इन्वायरमेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। वी यूज़ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। कि हम किसका यूज़ करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड, कि हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो हम कहाँ से गेट करते हैं, फूड से, टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शंस। अब आपको पता है हम फूड किस लिए ईट करते हैं, बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड एनर्जी हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द लाइफ फंक्शंस। कि जो हमें लाइफ में फंक्शन परफॉर्म करने हैं, बिना एनर्जी के हम उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। सम एक्टिविटीज़ नीड मोर एनर्जी वाइल सम रिक्वायर्स लेस। कि कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ के लिए हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करनी है, मैच करनी है, कुछ पिक्चर्स दी गई आपको इनके साथ, कि किस कब हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और कब हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, सबसे पहले जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो यू कैन नॉट स्विम। ओके, तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। अब जब आप रनिंग कर रहे हो तो तब भी क्या, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट। जब आप वैसे तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में वैसे तो आपकी देखा जाए तो आप बोलोगे क्या एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग ही नहीं रही, लेस एनर्जी है। बट आपके ब्रेन की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है उस टाइम पे। अगर आप थकावट में, अगर आपने फूड ईट नहीं किया है तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम वैसे तो मतलब लेस एनर्जी है बिकॉज बॉडी कहीं वर्किंग नहीं हो रही, बट इसमें कि ब्रेन की वर्किंग हो रही है तो मोर एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे दोनों केसेस चलेंगे, ठीक है।
जब आप जंपिंग कर रहे हो, रस्सी कूद रहे हो, तो तब भी क्या मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट जब आप क्या कर रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो या फिर आप टीवी देख रहे हो, तो कौन सी एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो क्या एनर्जी लगेगी, लेस। हैव यू नोटिस दैट वाई वी ब्रीथ हैवीली एंड क्विकली वाइल डूइंग सम ऑफ द एक्टिविटीज शोन अबव, कि अगर जो ऊपर आपको एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, कई परफॉर्म करते टाइम आपकी ब्रीथ है जो वो हैवीली होती है, मतलब जल्दी जल्दी होती, क्विकली भी होती है और हैवीली भी होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है, जब भी आप रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, फास्ट। तो जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आपको किस में ब्रेक डाउन करना हो, जो आपका ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगी तभी आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस वैसे आगे रीड करनी थी हमें, थोड़ा सा लाइटली बता देते हैं कि ग्लूकोज जब हमारा किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या मिलती है, एनर्जी। अगर हम जब आपको अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप बैठे हो, तो नॉर्मली आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहोगे, ऑक्सीजन हमारा ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता रहेगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। बट जब आपके प्रोसेस क्या हो रही है, बॉडी बॉडी की फास्ट हो रही है, जब आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप जंपिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस आप फास्ट वाली कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ, मतलब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पाती उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पाती, तो आपकी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाती। लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, आपने फूड ईट किया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के ही क्या करना स्टार्ट कर देती है, ग्लूकोज को एनर्जी में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है विदाउट ऑक्सीजन। तो इसी वजह से आपकी जो ब्रीथिंग हो जाती है वो हैवनली हो जाती है, और क्या हो जाती है, क्विकली फास्टली हो जाती है। नेक्स्ट देखो, आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या रीड किया है, कि रेस्पिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि रेस्पिरेशन क्या है, इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। अगर रेस्पिरेशन ही नहीं होगी तो आप क्या हो जाओगे, डेथ हो सकती है आपकी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन यूज होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स यूज होते हैं, फिश के अंदर गिल्स यूज होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा यूज होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, एंड स्मॉल एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सोइल फॉर रेस्पिरेशन। कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ से यूज करते हैं ऑक्सीजन का, जो हमारी कहाँ डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स की जो बॉडी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो जो सोयल के अंदर जो क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसी को वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रीड करेंगे, ये आपका वो टॉपिक है। नेक्स्ट फर्स्ट वी विल स्टार्ट रेस्पिरेशन। We have learned that in previous classes that the food we eat is digested into simple soluble substances such as glucose by the process of digestion. कि डाइजेशन के प्रोसेस से आपको पता है, फूड आपने सुना होगा बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हो, जब से स्टडी कर रहे हो, कि जो हमारी फूड है, फूड जब हम ईट करते हैं तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और आपने चैप्टर नंबर सेकेंड में भी रीड किया था डाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, कि हमारी डाइजेशन कैसे होती है फूड की। तो आपने उस टाइम स्टडी किया था कि हमारा फूड डायरेक्टली किस में, हमारा जो फूड है, फूड किस में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारा फूड आफ्टर डाइजेशन। तो ये ग्लूकोज हमारी क्या करती है, अब ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। अब ग्लूकोज क्या है, हमारे लिए मेन सोर्स है किसका, एनर्जी का। ये एनर्जी हमें फिर कौन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है।
अब ग्लूकोज क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो, इट इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। कि एब्जॉर्ब तो कौन करती है इसको, आफ्टर डाइजेशन के बाद जब ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है हमारे फूड का, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, ब्लड की हेल्प से टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या किया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन साइड द सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद जितनी हमारे पास ऑक्सीजन आती रहेगी, ठीक है, जितनी उन बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, उतनी ही वो ब्रोकन डाउन होता रहेगा। और क्या क्या मिलती रहेंगी हमें, एनर्जी। द प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन हमारी यूज होती है, किसके लिए, ऑक्सीजन इज यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। कि फूड से जब हमारी एनर्जी, फूड देखो, फूड अब हमारा किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ ही कंबाइन हो रही है हमारी ग्लूकोज, और तब हमें क्या मिले, एनर्जी। कितनी अमाउंट में हमें एनर्जी मिल रही है इस टाइम पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज यूज टू रिलीज एनर्जी। कितनी ये प्रोसेस की, ये प्रोसेस कौन सी होती है रेस्पिरेशन की, कि जिसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन क्या करती है, फूड से, फूड क्या आ गया यहाँ पे, ग्लूकोज, बिकॉज फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब डाइजेस्ट होने के बाद तो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में। कि कितने जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, फूड को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एनर्जी। तो द एनर्जी रिलीज्ड इज यूज टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। और यही एनर्जी हमारी कोई भी, जब आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है आपकी बॉडी को, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर हो रही हैं या बॉडी से आपको बाहर परफॉर्म करनी है, सारी एक्टिविटीज के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। सपोज करो आप क्या करते हो, कई दिन तक अगर आप फूड ईट नहीं कर रहे हो, तो फूड ईट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप क्या फील करोगे, वीक फील करोगे, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप फिट नहीं होगे। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। रेस्पिरेशन की हमारी टू प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो, एक्सटर्नल आपको मीनिंग सही पता चल रहा है, यानी आउटसाइड। एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, कि आउटसाइड में ही हमारी ये प्रोसेस हो रही है। इसमें जो बॉडी के ऑर्गन्स, मतलब जो बॉडी के इनर पार्ट हैं, उनका कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ किसका, एक्सटर्नल पार्ट्स का, जो आउटसाइड जो पार्ट्स हैं उन्हीं का रोल है इस टाइम पे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या, कौन सी प्रोसेस है ये जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, यानी सांस लेना। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारी कहाँ जाती है, बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, रिच मीन्स ज़्यादा है, जब उस टाइम पे मोर है उसके अमाउंट, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, गिवन आउटसाइड ऑफ बॉडी। कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज के हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। कि जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर 1 मिनट भी स्टॉप तो आपकी लाइफ स्टॉप। इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल। इसके अंदर कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के, कहाँ कहाँ होती है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में होती है। कहाँ कहाँ पे हो रही है, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में हो रही है हमारी, इन्वायरमेंट एंड बॉडी के बीच में क्या हो रही है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कैसे हो रही है, देखो, इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किसने कंज्यूम की, ह्यूमन बॉडी ने कंज्यूम की। ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट, नोज। ओके, नोज ने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। उसके बाद
अब नोज़ के थ्रू ही जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लिया, हमें एनर्जी मिल गया, उसके बाद वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो हमारी बॉडी की इनर प्रोसेस कुछ चलती रहती हैं जो हमें इस टाइम पे स्टडी नहीं करनी, हमने सिर्फ कौन सी करनी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी जो हमारे इन्वायरमेंट के और हमारी बॉडी के बीच जो प्रोसेस हो रही है। तो CO2 फिर किसके थ्रू बाहर निकलेगी, किसके थ्रू रिलीज करेंगे हम? वो भी नोज़ के थ्रू ही रिलीज होगी। तो मतलब O2 को अंदर लेके जाना और CO2 को बाहर रिलीज करना, ये ही कौन सी हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो हमारा जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे? नोज़। नोज़ के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, वो मेन यूज़ होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बनी कैसे, कैसे उसको वहाँ तक दोबारा नोज़ तक लेके आई, ऑक्सीजन हमारी नोज़ से लेके लंग्स तक कैसे गई, ठीक है, वो सारे प्रोसेस, वो कौन सी रेस्पिरेशन की? हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन की। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस में क्या होता है हमारे कि जो रिलीज होती है एनर्जी किससे? फूड से। कौन सी प्रोसेस की हेल्प से? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइड द सेल्स। कि ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर कैसे? जैसे हमने बोला था कि पहले हमारा जो फूड है, फूड क्या किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम? ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। अब वो ग्लूकोज क्या किया जाता है? बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या किया जाता है? कंप्लीट बॉडी में वो क्या कर दिया जाता है? सप्लाई। ओके, तो उसके बाद जब हमारी ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन क्या करती है उस फूड को? अब ऑक्सीजन क्या करती है उस फूड को? हमारी ऑक्सीजन क्या करेगी? उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। और किस में कहाँ क्या मिल जाएगी यहाँ से? एनर्जी। प्लस यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी, ये किसके अंदर होती है? जहाँ जहाँ हमारी फूड की सप्लाई हो चुकी है। फूड की सप्लाई कहाँ? हर एक सेल के अंदर होती है। तो हर एक सेल के अंदर ही हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये किसके अंदर होती है? सेल्स के अंदर होती है। सिंस द प्रो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइड द सेल्स, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। कि बॉडी के अंदर होती है इसलिए इंटरनल भी बोल सकते हैं, और सेल्स के अंदर होती है तो सेलुलर भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होती है हमारी? ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो फर्स्ट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका कहाँ से आया? कि फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो गया था तो उसके बाद हमारा क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। प्लस हमने क्या बोला कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ से आई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से कहाँ? इंटरनल रेस्पिरेशन तक हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या हुई? वो सप्लाई हुई, ठीक है। उसके बाद हमारी वहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, प्लस वाटर रिलीज हुआ, और प्लस हमें क्या मिली? एनर्जी। अब हमें देखो क्या करना है, जो हमारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या किया हमने? ग्लूकोज को यूज़ कर लिया, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली, उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। जो वाटर है, वाटर को भी हम कुछ अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्या हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू? रिलीज हो जाता है आउटसाइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या है? कम्प्लीट ही हम क्या कर देते हैं बॉडी से? रिमूव। बिकॉज अगर ये बॉडी के अंदर रहेगी तो क्या रहेगी? हार्मफुल। दिस प्रोसेस ये हमारी रिप्रेजेंट की गई थी, ये हमारी केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन की। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है रेस्पिरेशन के लिए, तो आपको ये राइट करनी पड़ेगी कि जब हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स, एरो का मतलब क्या होता है? गिव्स की ये फॉर्म होता है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। कि जो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन हमने स्टडी की, उसके बीच में हमारा डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट देखो डिफरेंसेस, इट इज़ अ फिजिकल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की आपकी फिजिकल प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाई इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल मतलब अंदर लेके जाना, इनटेक करना, एंड एक्सहेलेशन मतलब रिलीज करना। ओके, तो ये क्या हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल्स का कोई यूज़ नहीं है।
और ये हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन का एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स लिविंग, हमारी बॉडी के अंदर होती है, और केमिकल्स का भी इसके अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये सारे हमने अभी स्टडी किए हैं। जो हमारी फिजिकल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस की आउटसाइड द सेल ही होती है, सेल के अंदर नहीं होती हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या, इसका तो नेम ही क्या था, इंट्रा सेलुलर, यानी इंट्रा मतलब विद इन सेल, सेल के अंदर होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो हम आगे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की, ह्यूमंस के अंदर हमारी रेस्पिरेशन क्या होती है, देखो फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, पहले हम रीड करेंगे ह्यूमंस के अंदर कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इन्वॉल्व सेवरल ऑर्गन्स दैट टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि जो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के, जो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब आपको पता है कि सेल्स कम्बिनेशन, पहले हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स, सेल्स के कम्बिनेशन से क्या बनते हैं, टिश्यू, और टिश्यू के कम्बिनेशन से क्या बनते हैं, ऑर्गन, टिश्यू के कम्बिनेशन से क्या बनते हैं, ऑर्गन। अब हमने बोला कि यहाँ रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यू कैन से ऑर्गन सिस्टम दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, द एयर दैट वी टेक इन इन बाय ब्रीथिंग पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। की नोस्ट्रिल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, या नोज के लिए, ठीक है, कि जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं, टेक इन करते हैं ब्रीथिंग की हेल्प से, वो हमारी कहाँ तक जाती है, नोस्ट्रिल्स तक, एंड एंटर्स द नेसल कैविटी। फिर हमारी नेसल कैविटी, यानी जो हमारी नोज़ के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी नोज़ के अंदर टिनी हेयर्स इन द नोस्ट्रिल्स ट्रैप द डस्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि नोस्ट्रिल के अंदर या नोज़ के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं नोज़ को नोस्ट्रिल। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचते होगे ये नोज़ के अंदर हेयर्स क्यों प्रेजेंट है, इनका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, ये ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो, एयर को आप इनहेल कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी मतलब एयर के अंदर क्या है, कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको वो वहीं पे ट्रैप कर लेती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। इन इन जो स्मॉल हेयर्स का स्पेशल फंक्शन होता है ये। द इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स। उसके बाद जो इनर लाइनिंग होती है हमारी नेसल कैविटी के अंदर, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड्स। अब म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ सिक्रेट करती हैं, मोशन करते हैं, ये क्या कर देती हैं, इनके अंदर कुछ सिक्रेट करते हैं, वाटर वाटर जैसे सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं कि प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ टिश्यूज़। की जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको ड्राई नहीं होने देता, नोज़ के जो टिश्यू हैं उनको ड्राई नहीं होने देता, एंड मोइश्चन द इनहेल्ड लेयर। और जो आप इनहेल्ड कर रहे हो, जो इनटेक कर रहे हो एयर को, उसको क्या कर देता है, मोइश्चन। उसके बाद द ब्लड कैपिलरीज इन द नेसल कैविटी वार्म अप द एयर बिफोर इट एंटर्स द नेसल कैविटी। कि जो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड तो हमारी बॉडी में हर एक जगह प्रेजेंट है, तो जो ब्लड की जो कैपिलरीज प्रेजेंट है वो क्या कर देती हैं, जो एयर है उसको क्या कर देती हैं, वार्म अप, यानी उसको हीट कर देती है, कि वो जब तक हमारी नेसल कैविटी के अंदर जाए उससे पहले उसको क्या कर देती हैं, हीट। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। मेटाबोलिक का मीनिंग क्या होता है, कनेक्टेड विद द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। कि केमिकल्स रिएक्शन के साथ कंबाइन होना, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस, किसके लिए, मेंटेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, कि कंबाइन करना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, केमिकल्स की हेल्प से। बायोकेमिकल यानी कंबाइंड विद द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग थिंग्स। कनेक्ट होना किसके साथ, केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है बॉडी के अंदर, और किसकी बॉडी के अंदर, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके,